इनडायरेक्ट टैक्स वो वाला टैक्स है कि जो इम्पोज किसी और के ऊपर होता है लेकिन पे किसी और ने किया किया होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे GST ऐड करते हैं वो आपके बिल के अंदर, या किसी ब्रांड से अगर आप कोई शॉपिंग करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप देखते होंगे GST, जनरल सेल्स टैक्स, तो वो कस्टमर से कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में गवर्नमेंट के अकाउंट में वो सबमिट करवाते हैं। बेसिकली वो टैक्स गवर्नमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशंस पे लगाते हैं, बिजनेसेस पे लगाते हैं, बिजनेस वाले पकड़ के कस्टमर से कलेक्ट कर लेते हैं वो, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि उन लोगों से कलेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली उन लोगों से कलेक्ट नहीं किया जाता जिसके ऊपर इम्पोज होता है, बल्कि वो किसी और लोगों से कलेक्ट कर लिया जाता है, यानी कि जिस तरह से आमतौर पर कस्टमर्स उस टैक्स को पे करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में एंड मुख्तलिफ जगहों पर डिफरेंट तरह का टैक्स का सिस्टम इस्तेमाल होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मेजर ये दो सोर्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, आपको दिखाने लगा हूँ हायरार्की के फेडरल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स को इम्पोज करती है अपनी आवाम के ऊपर, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स को इम्पोज करती है। ये देखिएगा, ये फेडरल टैक्सीज हैं, उसकी एक हायरार्की सी बनी है, ये आपने बड़े ध्यान के साथ समझनी है और इसको याद भी कर लेना। नहीं जी, सबसे पहले हमारे पास है फेडरल टैक्स, जो भी मैं आपको बताया था कितना कलेक्ट हुआ वो ये सारा यहाँ पे मेंशन है। आगे देखिए जी, डायरेक्ट टैक्स पाकिस्तान ने कितना कलेक्ट किया जी, वो था 1523 बिलियन, और इनडायरेक्ट टैक्स जो इकट्ठा किया गया था वो के काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स के। इसका मतलब है लोग अपनी इनकम के ऊपर कम टैक्स पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट इनडायरेक्ट तरीके से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही है, वो 2473.7 बिलियन है। अब देखिएगा, डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये तीन नीचे वाली कैटेगरीज आती हैं, एक को हम इनकम टैक्स कहते हैं जी, दूसरे को हम वर्कर वेलफेयर फंड कहते हैं, और तीसरे को हम कैपिटल वैल्यू टैक्स कह रहे हैं। ये तीन हमारे पास डायरेक्ट टैक्स की किस्में हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपके पास कस्टम ड्यूटीज है, फेडरल एक्साइज है और सेल्स टैक्स है, और बिल्कुल इसके नीचे इनकी कलेक्शन की जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे अगर नीचे अगर आप देखते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स का हेड बना है सेल्स टैक्स का, ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम है, और ये सारे टोटल करके इस तरह से फेडरल गवर्नमेंट ने आपके टैक्सों को कलेक्ट किया था 2018 और 19 का डाटा ये मेंशन है, और यहाँ पे 19 और 20 का डाटा यहाँ पर मेंशन है, और जो ग्रोथ उसके अंदर देखी गई है ग्रोथ को यहाँ पे उसने मेंशन करके बताया हुआ है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, सूबे जो है, वो कौन कौन से टैक्स इम्पोज करते हैं अपने सिटीजन के ऊपर। ये रहे जी वो सूबों के प्रोविंशियल टैक्सेस जो कि वो इम्पोज कर रही है, और प्रोविंशियल टैक्स जो पाकिस्तान में इकट्ठा हुआ है 19-20 के अंदर उसका हुजम यहाँ पे मेंशन है, ये आप लोग देख लें। तकरीबन 4,13,617 मिलियन रुपीज जो है इकट्ठे किए गए हैं। ये प्रॉपर्टी टैक्स आपके सूबाई गवर्नमेंट लेती है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज यानी कि GST जिसकी मैं आपको भी एग्जांपल दे रहा था, एक्साइज ड्यूटी है इसके अंदर, हमारे पास स्टैम्प ड्यूटी है, मोटर व्हीकल और कुछ अदर टैक्सेस जो है वो प्रिवेंशन यानी कि सूबाई गवर्नमेंट इम्पोज करती है और वो अपने कस्टमर से, अपने सिटीजन से कलेक्ट कर लेती है। ठीक है जी, ये मेजर दो हमारे पास सूबाई और फेडरल दो अलग अलग टैक्सेस हैं जो कि वो कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ज़रा ये आप लोगों ने चीज नोट की होगी कि जो इनकम टैक्स है, मैं इसके ऊपर मैंशन कर देता हूँ, जो इनकम टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, ठीक है जी, और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो GST टैक्स है, जनरल टैक्स ऑन सर्विसेज है, वो बेसिकली हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट कर रही है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट GST का टैक्स कलेक्ट कर रही है, और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स कलेक्ट कर रही है। इसका मतलब है जब हमारे टैक्स के मामला थे हमारे इनकम के, तो हम डायरेक्ट FBR को डील किया करेंगे, और जब हमारे प्रोविंशियल के मामला थे GST के हवाले से हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कॉन्टैक्ट किया करेंगे। ठीक है जी, ये कुछ चीज़ें आपने स्क्रीनशॉट ले लेनी है इन चीज़ों की, और बाद में आपने इसे डीपली स्टडी करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स की रिफॉर्म्स की गई हैं उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालेंगे इंशाल्लाह ताला।